जय माँ काली सभी को। मैं हिमांग गुरु संतोष नाथ का शिष्य। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरु संतोष नाथ जो मेरी गुरु माँ है उनकी कृपा से आज मैंने इलाज करा है। इनका नाम सरोज है और ये चिड़ावा की है। इनके इनके शरीर से दो जिंद और दो चुड़ैल, एक राक्षस और बहुत सारे कच्चे कड़वे जो इनके ऊपर छोड़े गए थे तंत्र क्रिया से, वो प्रूफ के साथ बुलवा के गुरु माँ की कृपा से निकाले गए हैं। और अब इनके शरीर में कुछ भी नहीं है और इनके चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है ताकि और भी शक्तियाँ प्रवेश ना करें। ये सब गुरु माँ की कृपा से हुआ है। गुरु माँ ने मेरे को जो शिक्षा दी है, सिखाया है, उनकी वजह से ये चीज़ करी गई मैंने और इसमें मैं पूरी तरीके से सक्सेस हूँ। और अभी इनके ड्रिप चढ़ रही है क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल तरीके से टूट चुका है, तो इस वजह से इनके ड्रिप चढ़ा रहे हैं ताकि इनको जो सोडियम पोटेशियम जिसकी भी कमी है बॉडी में वो सही हो। तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि संतुष्ट है क्या इलाज से? संतुष्ट हो गया आप? ये इनकी मम्मी है, इनको दिखाओ, बताओ प्रूफ के साथ निकाली है चीज सारी एकदम प्रूफ के सारे नाम बता। आज तक इतनी जगह गया, कहाँ दिखाया था आपने? पहले कहाँ दिखाया था? आप बताइए आप कहाँ गए? कहाँ दिखाया था? कहाँ गए थे आप? गुड़गावा कहीं गए थे इलाज करवाने? कहाँ गए थे? सनीधाम में। सनीधाम आपको क्या बताया गया? ब्रेक बताया गया। कितने दिन इलाज चला आपका? 7 दिन। 7 दिन में आपके कोई आराम मिला? थोड़ा बहुत आराम। कोई सवारी सिर पर आई? सवारी। यहाँ आपको आए कितने दिन हुए? 3 दिन। 3 दिन में आपके क्या फर्क पड़ा? सवारी आई? सवारी कितने कंटिन्यू आई? आपने रेस्ट किया पूरे दिन भर? नहीं, कंटिन्यू आई। कि रात को और दिन में कितने कितने घंटे आपका इलाज किया यहाँ पर? 24 घंटे सब लोग दरबार के लगे रहे। खाने पीने की इनकी आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं हुई? सब दरबार में मिला आपको आराम से रहना खाना, एसी में कूलर पंखे सब सुविधाएं मिली? आप संतुष्ट हो? आपका शरीर बिल्कुल हल्का है। चलो तो जयकारा लगाओ आप माता रानी का। जय हो माता रानी। तो ये सब कुछ गुरु माँ संतोष नाथ जो और मेरे दास गुरु श्री राधा नाथ जी उनकी कृपा से हुआ है। और बाबा बागड़ वाले श्री गुरु गोरखनाथ जी, बाबा सवल सिंह बागरी, माई काल का शीतला सेठ मसानी और गुरु जी इनकी कृपा से और बालाजी महाराज इनकी कृपा से हुआ है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी ही कृपा बनी रहे और गुरु माँ की कृपा से मैं लोगों का ऐसे ही लोक कल्याण करता हूँ। जय माँ काली।